पराग का ओल्ड टाउन फेमस है अपने पब्स और रेस्टोरेंट्स के लिए। दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत जगह फूड ट्राई किया है, पर ये ब्लॉग कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि खाने के साथ साथ यहाँ पे जो एम्बियंस की फील है वो आपके फूड के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना देती है। और एकदम क्लॉक टावर के ऑपोजिट एक रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा क्योंकि ये हमारा लास्ट डे है तो क्यों ना हम ट्राई करें यहाँ का चेक कुजीन। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ का मजेदार कुजीन। अनंत्या आपको करना है ट्राई यहाँ का? Yes, I'm so excited. और स्नोइंग भी हो रही थी तो थोड़ा सा गरम गरम खाना होगा ना। हाँ, और यहाँ पे अभी अभी स्नो हुई है, हमारी जबान भी लड़खड़ा रही है ठंड के मारे। और चलो जाते हैं, अंदर बहुत कोजी सा होने वाला है, तो चलो चलते हैं। हम है जलाटे कॉन्वेज रेस्टोरेंट में। बड़ा अच्छा सा एम्बियंस लग रहा है इसका, तो चलिए देखते हैं इसका एम्बियंस। और ये बेसमेंट में है, मैं आपको इसका बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी और अंदर से भी व्यू दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। पुराना टाइप का इनका एम्बियंस बनाया हुआ है और जगह जगह पे आप देख सकते हैं ये स्टोन्स लगे हुए हैं। आइए तो मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। और मुझे तो ये रेस्टोरेंट कम म्यूजियम ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट एम्बियंस है इसका, बड़े सुंदर सुंदर डियर के मुंह लगे हुए हैं और एकदम ऐसे लग रहा है हम किसी केव से निकलते हुए जा रहे हैं। आओ आओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे मिल गया हमें मेन्यू और अब हम डिसाइड करें कि हम यहाँ पे क्या खाएंगे। सो वी हैव ग्रिल्ड चिकन विंग्स विद कोल्सो एंड दी सॉसेस। आई डोंट नो कैसी होंगी, आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देन वी हैव टेकन दिस नंबर 34 ब्रेस्ट ऑफ चिकन फ्राइड विद ब्रेड क्रम्स फिल्ड विद ब्लू वीन चीज एंड हैम रोस्टेड पोटैटो। अनंत आपने क्या लिया है ड्रिंक में? स्प्राइट। और मम्मा ने क्या लिया है? I have taken this for the drink which is non-alcoholic and this is for 70 Czech Republic currency. And Anantya is excited for her candies. I don't know why. So we have taken Smarties that me and Mama love. Then we have taken Starbucks that I love a lot. और हम लोगों ने गमी बम्स लिए हैं, टू फ्लेवर्स वाली और रेनबो वाली। और हम लोगों ने लिए है ये कैंडीज। हमारा मेन्यू आ गया है। दिस इज़ चिकन स्टेक विद पोटैटोज इन्होंने दिए। दिस इज़ अनंत्यास फ्रेंच फ्राइज, ये अनंत्या की फ्रेंच फ्राइज आ गई हैं, ये इसी में जी रही हैं यूरोप में, चिकन है उसमें। एंड दीज आर चिकन विंग्स विद सॉसेज। दिस इज़ चिकन विंग्स विद कोल्ड स्लॉ। तो ये जो चिकन विंग्स मैंने ऑर्डर किए हैं बहुत ही जूसी है, चिकन भी बहुत टेंडर लग रहा है और अंदर तक कुक्ड है, अंदर तक। तो आप इसको कितने 5 आउट ऑफ कितने देते हैं? 5 आउट ऑफ 5 रुपए से, क्योंकि एक बहुत ही यम्मी लग रहा है और इसकी है ये भी स्पाइसी है। ये दिखने में आपको लग रही होगी कि बहुत ही मिर्ची है, बट ये थोड़ी सी स्वीट टेस्ट में, इट्स जस्ट लाइक बेल पेपर का जैसा टेस्ट होता है, ये वैसे टेस्ट में है। चिकन स्टीक अब मैं खा रही हूँ। कैसा लगा आपको? जैसे पकौड़े के ऊपर कवरिंग होती है क्रिस्पी, इसकी भी कवरिंग वैसे ही है। सॉरी, बट माई चिकन विंग्स आर बेटर। तो ये किसके लिए था? ये दिव्या। दिव्या कैसा लगा आपको? मम्मा मुझे भी दे दो। कैसा लग रहा है खाना आप सब लोगों को? अब नाउ वी नीड टू पे द बिल। मैं आपको दिखा रही हूँ चेक की करेंसी। दिस इज़ 500, 200, 100। दीज आर चेक करोनास एंड 100 करोना मीन्स 311 रुपीज़। सो बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, सो हमारी इंडियन करेंसी आ जाती है। 1049 चेक रिपब्लिक की करेंसी में हमने अपना लंच कर लिया है, विच कम्स टू अराउंड 3000 रुपीज़ एंड इट वॉज यमी। हमें मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया नंदिया?
किया। Yes, of course. अनन्या ने अपने पूरे फ्राइज, मैंने अपना पूरा चिकन फिनिश किया। हमें तो बड़ा मजा आया यहाँ पे फूड ट्राई करके, और अगर आपको भी ये व्लॉग देख के मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।